इस वीडियो में हम सीखेंगे चार ऐसी बिल्कुल नई हेल्दी और टेस्टी लंच रेसिपीज। सबसे पहले हम बनाएंगे गर्मा गर्म गोल्डन लेंटिल स्टू, उसके बाद क्रीमी और साउथ इंडियन फ्लेवर से भरा येलो कोकोनट करी, फिर बनाएंगे कलरफुल और स्वादिष्ट पोहा। जो आप घर पर रेगुलर पोहा बनाते हैं, ये सात्विक पोहा उससे 3 गुना ज्यादा पौष्टिक है। और आखिर में इंडियन फ्लेवर से भरी हमारी ये अनोखी रेसिपी जो है व्हीट पी बोल। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी जो है गोल्डन लेंटिल स्टू। ये आप एक कंप्लीट मील की तरह खा सकते हैं, इसके साथ और कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस रेसिपी के लिए आपको टोटल में चाहिए 1 कप स्प्राउटेड मूंग दाल। ध्यान रहे कि आप साबुत मूंग दाल ही यूज करें जो कुछ ऐसी दिखती है। ये रेसिपी 2 लोगों को सर्व करेगी। सबसे पहले एक हांडी ले ले, उसमें डाले 1 कप मूंग स्प्राउट्स, साथ ही डाले 1/2 कप हरी बीन्स छोटी कटी हुई, 1/4 कप गाजर छोटी कटी हुई, 1/4 कप कद्दू छोटा कटा हुआ, 1/2 कप घिया कद्दूकस किया हुआ, 1/4 कप पालक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, आधी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून कच्ची हल्दी बारीक कटी हुई, जो इसे देगी एक पीला गहरा रंग, और चुटकी भर हींग। और आखिर में इसमें डालेंगे 3 कप पानी। इन सबको मिला लें और मीडियम फ्लेम पर करीब 25 मिनट तक ढक के पकने दें, जब तक सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। एक जरूरी बात, ध्यान रहे कि आप इन सभी रेसिपीज के लिए ऐसे दिखने वाले मेजरिंग कप्स और स्पून्स ही यूज करें। घर में रखे चम्मच और कटोरी से शायद वो स्वाद ना आ पाए। ये मेजरिंग टूल्स आपको आसानी से अमेज़न पर मिल जाएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा इस सात्विक दाल में हम कितनी सारी सब्जियां डाल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी दाल डालें उससे 3 गुना ज्यादा सब्जियां डालें। क्यों? क्योंकि दाल को अकेले पचाना हमारे शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सब्जियों की मदद से वो जल्दी पच पाती हैं। जब तक हमारी सब्जियां और दाल पक रहे हैं, हम अपनी टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जो हमारी दाल को एक चटपटा फ्लेवर देगी। एक तवा ले लें और उस पर डालें 3 टेबलस्पून सफेद तिल के बीज। धीमी आंच पर तिल को हल्का ब्राउन होने तक भून लें। भुन जाए तो इसको डिवाइड कर लें। 1 टेबलस्पून तिल को साइड में रख दें, ये हम बाद में यूज करेंगे, और 2 टेबलस्पून रोस्टेड तिल को एक मिक्सी जार में डाल दें। साथ ही मिक्सी में डालें 4 मीडियम साइज टमाटर, आधी हरी मिर्च और 2 टीस्पून सेंधा नमक। इन सबको अच्छे से पीस ले और हो गई हमारी ग्रेवी तैयार। चलिए, हमारी दाल और सब्जियां भी पक गई हैं, तो अब गैस बंद कर दे और इसमें ये टमाटर की ग्रेवी डालकर अच्छे से मिला ले और 5 मिनट के लिए ढक दे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। अब बस इसे एक बोल में निकाल लें और ऊपर से डालें 1/4 कप चॉप किया हुआ ताजा धनिया और क्रंच के लिए 1 टेबलस्पून रोस्टेड सफेद तिल, जो हमने पहले साइड पर रख दिए थे। और लो, हो गई हमारी गर्मा गर्म सब्जियों से भरी स्वादिष्ट और फिलिंग गोल्डन लेंटिल स्टू तैयार। आप इसको अकेले ही फुल मील की तरह खा सकते हैं। हमारी दूसरी रेसिपी है क्रीमी और साउथ इंडियन फ्लेवर से भरी येलो कोकोनट करी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और इसे धीमी आंच पर गर्म होने रख दें। अब इसमें डालें 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1/8 टीस्पून मेथी दाना और 3/4 टीस्पून मोटी राई और करीब 20 कड़ी पत्ते। 2 से 3 मिनट मसालों को भून लें, आपकी किचन इनकी खुशबू से महकने लगेगी। जब ये भुन जाए तो हांडी में डालें 1 कप आलू छोटा छोटा कटा हुआ, 1 कप गाजर छोटी छोटी कटी हुई, 1 कप हरे बीन्स छोटे कटे हुए, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर सुंदर पीला रंग के लिए, और आखिर में डालें 1 कप पानी और अच्छे से मिलाकर 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। जितने हमारी सब्जियां पक रही हैं, हम अपनी करी तैयार करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थिक नारियल का दूध। एक मिक्सी ले लें और उसमें डालें 1/2 कप नारियल छोटा काटा हुआ और 1/2 कप पानी। इसको अच्छे से पीस लें। अब बस
एक पतली सूती का कपड़ा ले ले और छान ले, और लो हो गया आपका थिक नारियल का दूध तैयार। अब बनाते हैं हमारी ग्रेवी। मिक्सी में डालें 1.5 कप थिक नारियल का दूध, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून गुड़ पाउडर और 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून सेंधा नमक और मिक्सी चलाएं और लो बन गई हमारी कोकोनट ग्रेवी। हमारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं, तो बस गैस बंद कर दें और कोकोनट ग्रेवी को कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिला लें। अब लिड को ढक दें और कोकोनट करी को सर्व करने का बेस्ट तरीका है ब्राउन राइस के साथ। ये रेसिपी हमारे सात्विक हेडक्वार्टर्स में सबको पसंद है। अक्सर जब हम साथ होते हैं तो साउथ इंडियन मील जरूर खाते हैं, जिनमें से ये कोकोनट करी जरूर बनती है। चलिए अब अपनी अगली रेसिपी पर बढ़ते हैं। पोहा, चिड़वा, अवल, चाहे आप इसे किसी भी नाम से जानते हो, पर ये रेसिपी हम सबके घर में हफ्ते में एक बार तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी 1 से 2 लोगों को सर्व करेगी। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और उसमें डालें 1 टीस्पून सरसों के बीज, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 3 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, जिन्हें हमने ऐसे क्रश कर लिया है। इनको 3 से 5 मिनट तक जीरे के हल्के ब्राउन होने तक भून लें। तो अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 5 सब्जियां, गाजर, हरी बीन्स, गोभी, आलू और मटर, और इनमें से 4 सब्जियों को हमने फाइनली चॉप करके, यानी एकदम छोटा छोटा काट के रख लिया था। तो आपको डालनी है 1/2 कप गाजर, 1/2 कप हरी बीन्स, 1/4 कप गोभी, 1/4 कप आलू और 1/4 कप मटर। फ्लेवरिंग के लिए इसमें हम डालेंगे करीब 20 कड़ी पत्ते, 2 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और सुंदर पीला रंग के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आखिर में डालेंगे 1/2 कप पानी और लिड को ढक दें और धीमी आंच पर सबको पकने दें। सब्जियों को सॉफ्ट होने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। हमें चाहिए 1 कप पोहा। हम यूज कर रहे हैं रेड राइस पोहा, जो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसे एक बड़ी छलनी में डालें और अच्छे से साफ पानी से धोकर इसे सॉफ्ट बना लें। चलिए हमारी सब्जियां भी तैयार हैं। अब इसमें डालते हैं अपना पोहा और सब कुछ अच्छे से मिलाकर 5 मिनट के लिए फिर से ढक दें और इसे पकने दें। बीच में पोहे को चम्मच से चलाते रहें, वरना वो कढ़ाई के नीचे चिपक जाएगा। 5 मिनट बाद गैस बंद कर दें और इसमें डालें 1/2 कप टमाटर, छोटा छोटा कटा हुआ, ताजे फ्लेवर्स के लिए 2 टेबलस्पून धनिए के पत्ते कटे हुए, 2 टेबलस्पून नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1/2 टीस्पून गुड़ पाउडर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 3/4 टीस्पून सेंधा नमक। सब कुछ अच्छे से मिला लें और कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि सभी फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। और ये हो गया हमारा सब्जियों से भरपूर और स्वादिष्ट रेड राइस पोहा तैयार। बस अब इसे एक बोल में निकाल लें और इसे सर्व करें हरी चटनी के साथ। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे हटके रेसिपी पर, जो है व्हीट पी करी। काफी ट्रायल्स के बाद जाकर हमारी टीम ने ये व्हीट पी करी की रेसिपी डेवलप कर दी। तो आइए शुरू करते हैं। ये रेसिपी 1 से 2 लोगों को सर्व करेगी। इस रेसिपी के लिए आपको 6 घंटे पहले 3 टेबलस्पून साबुत गेहूं और 1/2 कप मूंगफली पानी में भिगोकर रखनी है। इन्हें हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने मसाले यानी स्पाइस पाउडर तैयार कर लेते हैं। एक तवा ले लें और उस पर डालें 1 टीस्पून धनिए के बीज, 1 छोटा तेज पत्ता और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। इन तीनों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लें, जब तक ये धनिए के बीज ब्राउन कलर के ना हो जाए। जब मसाला भुन जाए तो इन्हें एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दें और फिर एक मिक्सी में डालकर पाउडर में पीस ले। ये हो गया हमारा स्पाइस मिक्स भी तैयार। इसे साइड रख दें। अब एक कढ़ाई ले लें और उसे मीडियम आंच पर गर्म होने रख दें। फिर इसमें डालें 3 टेबलस्पून गेहूं के दाने, जिन्हें हमने 6 घंटे तक भिगोकर रखा था। ऊपर से इसमें डालें 1 कप पानी और ढककर 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। जब गेहूं के बीज पक कर सॉफ्ट हो जाए तो कढ़ाई में डालें स्पाइस मिक्स जो हमने अभी बनाया था, साथ ही उसमें डालें 1/4 कप मटर, 1/4 कप गाजर छोटी कटी हुई,
आधा कप गोभी छोटी कटी हुई और आखिर में आधा कप कद्दू छोटा छोटा कटा हुआ। अच्छे से मिला ले और ढककर 15 मिनट तक पकने दे। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं, हम अपनी पीनट करी रेडी कर लेते हैं जो इस रेसिपी को देगी एक थिक और क्रीमी टेक्सचर। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए पीनट मिल्क, जिसे बनाना बहुत आसान है। एक मिक्सी जार में डालें आधा कप मूंगफली के दाने, जिन्हें हमने 6 घंटे तक भिगोकर रखा था, और 1 कप पानी। बस मिक्सी चलाएं और एकदम स्मूथ होने तक पीस लें। ध्यान रहे कि जार के नीचे कोई मूंगफली के टुकड़े ना रह जाए। अब एक मसलिन क्लॉथ की मदद से इस दूध को छान लें और हो गया हमारा पीनट मिल्क तैयार। इस दूध को एक मिक्सी के जार में निकाल लें। अब उसी जार में डालें फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ज्यादा ना डालें। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी हरी मिर्च और आखिर में हल्की मिठास के लिए 1/2 टीस्पून गुड़ पाउडर। इन सबको अच्छे से पीस ले और लो बन गई हमारी पीनट करी भी। हमारी सब्जियां भी पक चुकी हैं, तो अब कढ़ाई में डालें ये पीनट करी, अच्छे से मिला लें और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और इसमें डालें 3/4 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। अच्छे से मिला लें और 2 मिनट के लिए फिर से ढक दें। करी को सर्विंग बोल्स में निकालें और ऊपर से गार्निश के लिए डालें 2 टेबलस्पून रोस्टेड और क्रश किए हुई मूंगफली के दाने, जो इसे देंगे एक क्रंच, और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये बन गई हमारी क्रीमी और इंडियन फ्लेवर्स वाली व्हीट पी करी। जब मैंने पहली बार ये रेसिपी ट्राई करी थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि हम एक सिंपल गेहूं जैसे इंग्रेडिएंट से इतनी टेस्टिंग और फिलिंग रेसिपी बना सकते हैं। ये सच में लाजवाब है। तो ये हो गई हमारी चारों रेसिपीज तैयार। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सभी रेसिपीज कैसी लगी और ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जिसका आप सात्विक वर्जन बनाना चाहते हैं। और अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई और आप ऐसी और हेल्दी रेसिपीज सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट से सात्विक फूड बुक आज ही ऑर्डर करें। इसमें मिलेंगी आपको सूप, सैलेड और मेन कोर्स से लेकर स्मूदीज, आइसक्रीम्स और डिजर्ट्स तक की कहीं सारी सात्विक रेसिपीज। और अब ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। बुक ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें और ऐसी और कई सारी रेसिपीज देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।